जो क्लासन ने इनिंग्स खेली थी उसके बाद मेरा ख्याल है साउथ अफ्रीका को जीतना चाहिए था 100% के बावजूद जो है वो इंडिया जीता है, तो इसमें मैं कहता हूँ ये साउथ अफ्रीका का ज्यादा कमाल है। मैच जाना नहीं चाहिए था, ये तो 9 बॉल 10 बॉल पहले खत्म कर देना चाहिए था। मिलर इतना लंबा ले गया, वो ले गया एंड तक, लास्ट तक, डीप तक, वो उसका काम था। जैसे वो मोमेंटम बना हुआ था उसको कैरी ऑन करता, उसने लूज किया आके तो लास्ट ओवर तक गया। खेलना था, एक्सेप्शनली कुछ गलतियां करनी थी तो ही हारते, वरना कोई जवाब था नहीं हारने का साउथ अफ्रीका के पास। लग नहीं रहा था क्या हार जाएगा उसके बाद, हार जाएगा। लेकिन इंडिया को मुबारकबाद, जैसे उन्होंने कम बैक किया और हार्दिक पांड्या ने दिखाया कि नंबर वन ऑलराउंडर दुनिया में मैं ही हूँ। जैसे उसने बैटिंग में तो इतनी लंबा टाइम नहीं मिला, लेकिन बॉलिंग में आके जैसे उसने आउट किया क्लासिंग को, मेरे ख्याल से वहाँ से इन्होंने कम बैक किया। उसके बाद बुमराह ने जो इम्पैक्ट डाला जबरदस्त, ये मैच जाना नहीं चाहिए था, ये तो 9 बॉल 10 बॉल पहले खत्म कर देना चाहिए था। मिलर इतना लंबा ले गया, वो ले गया एंड तक, लास्ट तक, डीप तक, वो उसका काम था। जैसे वो मोमेंटम बना हुआ था उसको कैरी ऑन करता, उसने लूज किया आके तो लास्ट ओवर तक गया। क्या बात है। और साथ साथ अच्छा, अब जो आखिरी ओवर में भी जब सब सारा डिजास्टर हो गया था, उसके बावजूद भी जब 6 पे 16 चाहिए थे और उस वक्त जो अनबिलीवेबल कैच पकड़ा है, मतलब अनबिलीवेबल कैच। इंडिया का जो कोच है द्रविड़, कब से है वो? काफी टाइम साल से तो होगा या नहीं? तो ये बहुत बड़ा फर्क होता है। हमारे यहाँ 6 बदल गए, हमारे यहाँ सेलेक्टर 6 दफा बदल चुके हैं, हमारे यहाँ क्रिकेट बोर्ड 6 दफा बदल चुका है। तो नहीं बदले ना सर? नहीं, खिलाड़ी नहीं बदले, मगर खिलाड़ी मजे लेते हैं ना। फिर खिलाड़ी फिर एक जगह एक मिजाज के साथ नहीं रहते, उन्हें ये पता होता है कि जो नया आएगा वो हमारे आगे आगे हाथ जोड़ेगा कि यार मैच जीत जाओ बस। चीज है उनका कोच पुराना, उनके प्लेयर अभी ये कह रहे थे कि 37 साल का, नए बच्चों की बात करते हैं, वो 37 साल के परफॉर्मेंस देखा हुआ है। तो उसका भी ये आखिरी वर्ल्ड कप है, सब कह रहे हैं कि उसका भी है। कोहली जो है 26 तक नहीं रह सकेगा, उसका भी आखिरी है, और हो सकता है बुमराह का भी आखिरी हो। कई लड़कों का, उनका 35 लड़के शायद ओवर 30 हैं, उनके 3 लड़के शायद 35+ हैं, जो कल फैजान ने डिटेल्स भेजी थी उसके अंदर, या पता नहीं आर्टिकल में लिखा हुआ था, मैं पढ़ रहा था। तो ये सारे लड़के, इनमें से आधे लड़के रिटायर हो जाएंगे इस वर्ल्ड कप के बाद, कुछ 1 साल 1.5 साल के बाद। उन्होंने अपनी नई टीम बना दी, किसी ने शोर मचाया कि ये लड़का क्यों आया, मैं तो खेलूंगा, मैं तो जाऊँगा। हमारे वाले, जब मैंने एक वर्ड इस्तेमाल कर दिया था तो मुझ पर केस करने की बातें होनी शुरू हो गई थी। अरे नहीं 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 करी, नहीं तो मैं नहीं वर्ड इस्तेमाल करना चाहता। बताइए कि आपके जो कप्तान हैं, उन्होंने कभी अपना नंबर बदला, किसी नए बच्चे को ऊपर खेलने दिया? मैं आपको उठा के दिखा देता हूँ कि बांग्लादेश के खिलाफ बिफोर द वर्ल्ड कप, ODI का वर्ल्ड कप से पहले रोहित शर्मा 8वें नंबर पर गया, उसने दूसरे लड़कों को ऊपर भेजा। ये होती है क्रिकेट, ये होती है टीम को बनाना, ये होता है अपने मुल्क के लिए खेलना। नहीं, जिम्बाब्वे के खिलाफ वो खेले भी नहीं, नहीं नहीं अच्छा चले। तो फिर ये होता है ना, हमारे यहाँ क्या होता है, जिम्बाब्वे नेपाल लड़कियों की टीम से भी मैच होगा तो वो कहेंगे मैं ओपन करूंगा। मैच बदल दिया, एक कैच ने सूर्या कुमार यादव के, क्या खूबसूरत कैच, रिले कैच लिया के पीछे गया, वापस आया, पाउंड टकराने नहीं दिया उसने स्टर्लिंग से, और इस टूर्नामेंट की बेस्ट फील्डिंग साइड और बेस्ट कैप्टन इंडिया रहा। हम कह सकते हैं कि जो टीम डिजर्व करती थी, वासिफ भाई, जो टीम डिजर्व करती ट्रॉफी उठाना उसने उठाई है, भारत की टीम ने थ्रू आउट जितनी परफॉर्मेंस अच्छी थी उनकी। मैच से पहले तो आप बोल सकते थे कि इंडिया डिजर्व करती, सही है सही है। जो क्लासन ने इनिंग्स खेली थी उसके बाद मेरा ख्याल है साउथ अफ्रीका को जीतना चाहिए था 100%। ये मैच उन्हें भी यकीन नहीं आएगा। और जो अभी शाहिद भाई ने कैच की बात करी, कमाल, एक अक्षर पटेल का कैच, सही, एक स्काई का कैच, उन्होंने बता दिया कि वो लोग ऊपर ही जा रहे हैं। रजीत साहब, इतनी प्रेशर सिचुएशन में आप बाउंड्री लाइन की नोक पे खड़े हैं, आखिरी ओवर है, 6 पे 16 चाहिए, और आपको पता है कि अगर ये 5 पे 10 है, यानी वर्ल्ड कप, वो वर्ल्ड कप पकड़ा है असल में उन्होंने, बार बार वर्ल्ड कप पकड़ा है, छोड़ा है, पकड़ा है, फिर बिल आखिर जो है वो होल्ड कर लिया है। देखिए, यही तो बात है ना, उस पर काबू रखना, जो हम बिग मैच का कहते हैं वही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और जिस तरह से क्लासन मार रहे थे और जो शानदार उन्होंने इनिंग खेली है, उसके बाद सिर्फ ना उस पर काबू रखा, वेटिंग फॉर वन चांस, चांस उन्हें मिला क्लासन के आउट होने के बाद, और उन्होंने बड़ी खूबसूरती से ग्रैब किया। लेकिन इस इवेंट में जो 2 टीमें करीब आई हैं भारत को हराने में, उन्होंने खुद ही गिफ्ट रैप करके दिया, एक पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, सही है। ये गेम हाथ से निकल चुका था, उसके बावजूद जो है वो इंडिया जीता है, तो इसमें मैं कहता हूँ ये साउथ अफ्रीका का ज़्यादा कमाल है कि इस पॉइंट पे जब 24 पे 24 चाहिए थे, उसके बाद आप कैसे हार सकते हैं। होना ना, जो आउट होता है बैट्समैन, जैसे क्लासन आउट हुआ, हाँ, वो इम्पैक्ट डालता है T20 में, सही है। लेकिन उसके साथ वहाँ पे मिलर मौजूद था, सही है, और जो इस टाइप का प्लेयर है कि आराम से मैच जितवा देता है, मैंने उसको खुद देखा है 20-20 रन करते हुए। नो डाउट वो कैच जो उसका हुआ है, हम ये तो नहीं बोलेंगे खराब फील्डिंग या
बैट शॉट वहाँ पे 16 रन जब चाहिए थे शॉट यही तो यही करना था। लेकिन मेरा ख्याल है कि एक टाइम पे मुझे लगा इंडिया की बॉडी लैंग्वेज के वो भी समझ गए थे, निकल गया जहाँ पे बुमराह ने ओवर करा है ना, हाँ, वहाँ से उन्होंने उसने जान पैदा कर दी इंडियन टीम में। मेरे ख्याल है एक या दो रन दिए और विकेट निकाली है। एंड गुड कैप्टनसी की कप्तान ने उस वक्त बुमराह को ओवर कराया।